सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिवसीय सिरसा दौरा है और भ्रष्टाचार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। रिश्वत मांगने पर पटवारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं और छतरिया गांव के नहरी पटवारी नरेश को सस्पेंड करने के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि गाँव बड़ागुड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम में ये कार्रवाई हुई और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खैरका में थे, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने समस्याओं को सुना, समाधान किया, लेकिन अब बड़ा एक्शन बड़ागुड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम में लिया और रिश्वत मांगने पर पटवारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नकुल जुड़े हुए हैं। नकुल, जानकारी चाहेंगे, आखिर बड़ा एक्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लिया गया ऑन द स्पॉट? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और नहरी पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम में गांव छतरिया के पटवारी के खिलाफ एक शिकायत आई थी और उसमें यह कहा गया था कि पटवारी काम करने के एवज में जो है रिश्वत की मांग करता है और सीएम ने बिना कुछ देरी लगाए तुरंत ये कहा कि पटवारी को सस्पेंड कर दिया जाए। तो एक बड़ा एक्शन इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटॉलरेंस की बात करती है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार निरंतर काम कर रही है और इस पर बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री का लिया गया है और 5,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम जनसंवाद के पूरे हो गए हैं, अब लंच का कार्यक्रम है और इसके बाद मुख्यमंत्री कालामाली पहुंचेंगे, जहां पर पहले तो जनसंवाद कार्यक्रम होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। जी, एक और जानकारी चाहेंगे नकुल, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर लगातार सरकार एक्शन ले रही है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल या गृह मंत्री अनिल विज लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में अब यहां पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है, आखिर एक और सवाल ये है कि शिकायत क्या यहीं पर जनसंवाद कार्यक्रम में ही की गई थी या मुख्यमंत्री के पास पहले शिकायत पहुंची थी? जी, हम कुछ देर बाद तस्वीरें भी दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री के समक्ष एक खड़ा होता है और मुख्यमंत्री को कहता है कि इस तरह से उससे 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। बड़ा गुड़ा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये शिकायत मुख्यमंत्री के सामने आई और जैसे ही उसने शिकायत दी तो हम कुछ देर बाद वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, पूरी खबर भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से शिकायत उसने दी और तुरंत मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि उस पटवारी को सस्पेंड कर दिया जाए। डीसी मौके पर थे और डीसी को निर्देश दिए कि इस पटवारी को सस्पेंड कर दिया जाए, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इसके अलावा बहुत सी शिकायतें आई, एक शिकायत पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेकर भी आई, तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने एक बात कही, उसमें ये कहा कि कोई कितना ही बड़ा पहुंच रखने वाला आदमी क्यों ना हो, किसी को पक्षना नहीं है। उन्होंने सिरसा के SP उदय सिंह मीणा को भी ये बात कही कि कोई कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, कोई, उन्होंने इतना तक कहा कि कोई मेरा ही नजदीकी क्यों ना हो, उस पर भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी। तो तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कहा और कहा कि किसी गलत काम करने वालों पर तुरंत एक्शन लेना है और यही सरकार का उद्देश्य है कि जी, और सरकार लगातार इसी और अग्रसर नजर आ रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कैसे शिकंजा कसा जाए और उसी का एक उदाहरण बड़ा बुरा गांव में दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकुल, तमाम जानकारी के लिए। वो तो आखिर में मेरे कौन से गांव में? छतरिया गांव में। छतरिया गांव, ठीक है, नरेश पटवारी को सस्पेंड कर दो। ऐसे हिम्मत कैसे होगी उसकी 5,000 रुपए मांगने की? ठीक है सर। हाँ, और आज ही सस्पेंशन लेटर पकड़ा दो उसके हाथ में, ठीक है, और आगे सब ध्यान में आ जाएंगे सबको। ठीक है सर, काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन हिम्मत हो जाए कि मुझे, अरे तनख्वाह मिलती है, बहुत मिलती है, थोड़ी मिलती है क्या, या तो तनख्वाह छोड़ के काम करो, चलो कुछ और करना है तो ठीक है, आप जाके मिल लेना पटवारी अपने जो हमारे इरीगेशन के, आप इस काम को देखना है, आपका कौन जाएगा ये जा।